सब्सक्राइब कीजिए एमके फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, आज हम बात करेंगे फेस अनलॉक के बारे में। जी हाँ गाइस, आप अपने किसी भी डिवाइस में फेस अनलॉक को प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे आपका फ़ोन एंड्रॉयड 5 या फिर 6, 7, 8, 9 जो भी हो। अगर आपके फ़ोन में फेस अनलॉक नहीं है और फिंगरप्रिंट भी नहीं है, तो आपके लिए फेस अनलॉक का ऑप्शन एक बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि आज का जो डेट है, इस डेट में लगभग सारे फ़ोन फेस अनलॉक के फीचर्स के साथ आते हैं। बट अगर आपके फ़ोन में फेस अनलॉक का फीचर्स नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से, बट मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने फ़ोन में प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो फेस अनलॉक को, वो भी जेन्युइन तरीक़ों से। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन को ईजीली कर सकते हो फेस अनलॉक के थ्रू अनलॉक। तो ये सारे चीज़ जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर बुरा लगे तो बाद में डिसलाइक कर देना, बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कंफर्म कर देता हूँ कि मैं कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मेरे इंटरफेस देख के ये कहोगे कि भाई तुम तो Xiaomi के फ़ोन से यानी MI के फ़ोन से ये ट्रिक्स करके दिखा रहे हो, तो ऑब्वियसली एक MediaTek की प्रोसेसर वाला फ़ोन से करके दिखाओ तो मानूंगा। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आप लोगों को कन्फर्म कर देता हूँ कि मैं कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं सेटिंग्स पर गया एंड उसके बाद अबाउट फ़ोन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो डिवाइस नेम है वो टेक्नो कैमन आए है एंड मॉडल नंबर है N5। अगर आप टेक्नो फ़ोन यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपके फ़ोन में प्रॉपरली इंस्टॉल हो ही जाएगा आज के बाद फेस अनलॉक के मज़ा उठा सकते हो आप अपने टेक्नो फ़ोन में। वेल, उसके लिए एक सेटिंग्स करनी होगी यानी एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आपको जाना होगा एक एप्लीकेशन के अंदर, तो चलते हैं उस एप्लीकेशन की तरफ। ओके, एप्लीकेशन को ऑन करने के साथ साथ आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरा उंगली दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे फेस स्कैन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको फेस स्कैन करेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ पैटर्न क्लिक करता हूँ। अगर आपका फेस काम नहीं कर रहता है तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिया गया है जो आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नहीं देखने को मिलेगा, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप वाईफाई को लॉक कर सकते हो, ब्लूटूथ को लॉक कर सकते हो, यहाँ पर रिसेंट टेक्स्ट को लॉक कर सकते हो। यानी अगर इस ऐप के ज़रिए आप अपने फ़ोन में किसी भी चीज़ को फेस लॉक के थ्रू अनलॉक यानी लॉक लगा सकते हो, एंड आपके फेस के अलावा किसी दूसरे पर्सन के फेस के साथ मैच नहीं करेगा, वो बंदा उसे अनलॉक नहीं कर पाएगा, आपका डिवाइस का भी, आपके जो डिवाइस है उसे भी अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन लॉक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको इसे एनेबल करना है। तो आपके जो स्कैन है, फेस जो है वो स्कैन करेगा, एंड स्कैन करने के बाद जो है आप अनलॉक कर पाओगे। बट यहाँ पे क्या होगा, ये एप्लीकेशन ऐसा लॉक होगा, बट अगर आप चाहो कि आपका जो लॉक स्क्रीन है उसे भी आप करो उस तरीक़े से, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पर जाना होगा। 3 डॉट्स पर जाने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो ढेर सारे ऑप्शंस दिया गया है आपको यहाँ पर। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा फेस लॉक, यहाँ आप देख सकते हो फेस लॉक। इसे फेस लॉक मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये एक ख़तरनाक यानी मेन ट्रिक्स है। तो यहाँ पर सारे चीज़ों को देख लेते फेक लॉक। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये प्रो वर्जन है, अगर आप चाहो तो प्रो वर्जन को क्रिएट कर सकते हो। ओके, डाटा को ऑन कर लेता हूँ। अगर आप चाहो कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, डोंट मैच, अप्लाई। तो यहाँ पे आपको कुछ पेड करना होगा, यानी कुछ तकरीबन 210 रुपये पे करना होगा लाइफ टाइम के लिए। अगर आप चाहो तो पे कर सकते हो, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हो जाएगा आपके फ़ोन। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन लॉक, अगर आप नोटिफिकेशन को लॉक करना चाहते हो, ये सारे नोटिफिकेशन को हाइड करना चाहते हो, प्रॉपरली चैट को हाइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एनेबल करना होगा। तो फिलहाल मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ओके, बैक।
एंड उसके बाद डेली लॉक। ओके, तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो कि कितने देर तक आपके फ़ोन जो है लॉक रहेगा, या फिर कितने सेकंड के बाद आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। एंड उसके बाद है कस्टमाइज थीम, यहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आप जो भी थीम चूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पे थीम चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये डाउनलोड करने को कह रहे हैं तो मैं फ़िलहाल डाउनलोड नहीं करूँगा, ओके छोड़ता हूँ इसे भी। तो उसके बाद सिक्योरिटी सेंटर में आपको कुछ इस तरह से फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपके कोई काम का नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो। अब फाइनली फेस लॉक की तरफ आते हैं, बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस लॉक यहाँ पे दिया गया है, दो ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिया गया है जो आप देख सकते हो, IO बीट ऐप लॉक एंड स्क्रीन लॉक। तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक के ऊपर आपको टैप करना होगा एंड टैप करने के साथ साथ आपका स्किन यानी फेस को अनलॉक कर स्कैन करेगा एंड उसके साथ साथ आपको इसे इनेबल कर देना होगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तो किस तरह से होता है, इसे आप इनेबल कर दो एंड इसे भी आप इनेबल कर दो, दो होगा इसे भी आप इनेबल कर दो, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैंने पहले ही सारे से इसको क्लियर करके रखा है। आज दो दिन से या फिर दो तीन दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, जो परफेक्टली काम करता है, वर्क करता है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा क्योंकि ये ख़तरनाक ऐप है। तो चलते हैं यार, आपके फ़ोन में तो फेस अनलॉक हो गया, आई होप कि हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने इसे दो तीन दिन से ट्राई कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। फेस अनलॉक ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है आपके आँखों के सामने, या फिर आपके फेस के सामने फ़ोन को लाओगे तो आईफोन एक्स में जैसा है बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्मेंस करते हैं। तो अब चलते हैं इस ऐप को कैसे डाउनलोड करोगे। तो डाउनलोड तो करना होगा ना, अगर नहीं डाउनलोड करोगे तो आपके फ़ोन में कैसे फेस अनलॉक फीचर्स आएगा। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऐप, तो चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को पता है कि प्ले स्टोर का इंटरफेस कैसा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है फेस लॉक, FACE लॉक, LOCK, बस इतना ही टाइप कर देना है आपको। एंड उसके बाद आपको जो दो नंबर पर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ओके IO बीट ऐप लॉक। तो 1 मिलियन डाउनलोड्स है, 4.5 की रेटिंग है, जो खतरनाक ऐप है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हो, जैसे कि वाईफाई, फेसबुक, बहुत सारे। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा अगर आप स्कैन करोगे तो, फेस को अगर स्कैन करोगे तो। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि किस तरह से आपको जो है स्कैन करेगा, कुछ इस तरह से आपको स्कैन करेगा। एंड उसके साथ साथ ये है थीम, कस्टमाइज थीम एंड फेक लॉक, ये है फेक लॉक। एंड उसके साथ आप चैट कर सकते हो एंड मैंने आप लोगों को पहले बताया कि नोटिफिकेशन बार को हाइड कर सकते हो एंड क्रोम मैसेज, ये सारे चीज़ को आप अपने हिसाब से लॉक लगा सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस लॉक किस तरह से काम करता है यहाँ पे। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को तो ये पता चल ही गया होगा, और ज़्यादा MB नहीं है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐप लॉक देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ये मिलता है, बट ये फेक फेस लॉक जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन थे मैंने ट्राई करके देखा, बट प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही यानी IO बीट ऐप लॉक ही सिर्फ टोटली प्रॉपरली वर्क करते हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया। तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो कि आपके फ़ोन में किस तरह से काम करता है। मेरे फ़ोन में तो ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो मैं इसे प्रॉपरली लाइफ टाइम के लिए यूज़ करूँगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये फेस अनलॉक का ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं है तो इसे आपको इनेबल करने के बाद आपके फ़ोन में किस तरह से वर्क करता है, ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं पर भी मत जाना, क्योंकि मैं इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस हर एक दिन के बाद अपलोड करता हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।